नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। मध्य प्रदेश में कोरोना के बेहद कम मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जब कोरोना के कोई ना कोई मामले नहीं मिल रहे हों। केरल और महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर के जैसे मामलों की संख्या बढ़ने लगी है। मध्य प्रदेश में कम आ रहे मामलों के कारण लोगों का आत्मविश्वास अति आत्मविश्वास की तरफ बढ़ रहा है और लोग बगैर मास्क के बाहर निकलने लगे हैं। इसी बीच भले ही गाइडलाइंस कागजों में दौड़ रही हों, लेकिन नेताओं के लिए ये गाइडलाइंस जमीन पर नजर नहीं आ रही। तस्वीरें इंदौर की दिखाते हैं, जहां सबसे ज्यादा नुकसान कोरोना की दूसरी लहर में हुआ था। यहां ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो गई है और इस जन आशीर्वाद यात्रा में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। ये लापरवाही एक बार फिर इस आशंका को जन्म दे रही है कि कहीं तीसरी लहर में भी इंदौर भयावह हालातों में ना पहुंच जाए। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुरुवार को इंदौर पहुंचे। उन्होंने यहां जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर सिंधिया ने जनता को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि 1 सितंबर से प्रदेश में 67 नई फ्लाइट शुरू की जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ इस पूरी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान भारी भीड़ दिखी और लोग बगैर मास्क के बगैर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आए। सरकार द्वारा जारी की गई ये अपील आपने अक्सर कॉलर ट्यून के माध्यम से अपने फोन पर सुनी होगी, लेकिन जो सरकार ये अपील आम लोगों के लिए जारी कर रही है, उसी सरकार के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये काफिला है और इस यात्रा में लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। हाथों को लगातार साबुन से धोएं। अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से रुकें। अगर किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो उससे कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। जरूरत पड़ने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 0112397846 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आशीर्वाद यात्रा एक तरह से कोरोना को आमंत्रण देती हुई नजर आ रही है। इस आशीर्वाद यात्रा में ढोल नगाड़े हैं, रथ पर बैठे सिंधिया हैं और नीचे हजारों लोगों का हुजूम है। किसी को इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले कम जरूर हुए हैं, लेकिन थमे नहीं हैं। आज ही प्रदेश भर में कोरोना के 18 नए मामले सामने आए हैं। इनमें इंदौर भी शामिल है, जहां कोरोना के 3 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ऐसे में इस तरह की राजनीतिक यात्राएं क्या आने वाले दिनों में कोरोना का खतरा बढ़ा सकती हैं? यही सवाल जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान पत्रकारों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी पूछा। हालांकि इस सवाल का कोई ठीक ठाक जवाब किसी नेता के पास नहीं था, लोग बस अपनी राजनीति में मस्त थे। ये तस्वीर डराने वाली है और हम आपसे यही अपील करते हैं कि आप कोरोना के खतरे को हल्के में ना लें और नियमों का पालन करें। इंदौर से रविकांत वर्मा की रिपोर्ट।